दोस्तों, वास्तुशास्त्र की बात हम जब भी करते हैं तो आपने अक्सर इस तरीके का कोई ग्रिड देखा होगा। ये पहला पद आ गया, ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, ये टोटल 32 यहाँ तक आता है। इसी तरीके का होता है वास्तु, सब यही करते आ रहे हैं। यहाँ पे ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ये ब्रह्म स्थान के पद हो गए सारे आपके, एक स्क्वायर प्लॉट है, सारा सिस्टम स्क्वायर का चल रहा है। अब यहीं पे आ गया मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट, मान लीजिए इस तरीके का प्लॉट आ रहा है, इसमें भी वही हो गया 1, इसी तरीके से होगा। ये मेरा सेंटर आ गया, ये मेरे ब्रह्म स्थान के पद आ गए, बहुत बढ़िया वास्तु चल रहा था, आराम से सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी, पद आराम से निकल रहे थे, डायरेक्शंस बड़े आराम से निकल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से एक आदमी को थोड़ी सी उलझन हुई कि ये आराम से क्यों चल रहा है। उस आदमी ने इजाद किया एक चक्रा का, उसने कहा नहीं भाई, ये जो तुम्हारे स्क्वायर और रेक्टेंगल तुम बना रहे हो, ये तुम गोल बना दो। उस भाई साहब ने ये गोल चक्कर लाके लगा दिया। अब आप खुद देखो दोस्तों, जो देवता आपका यहां आ रहा था, अब मान लीजिए ये नक्शा मैं छोटा कर दूं, इस नक्शे के हिसाब से भी अगर मैं इसको पूरा डिवाइड करूंगा तो ये चक्र कुछ कुछ इस तरीके से ही कवर करेगा इस मैप को। मैं अगर ये भी मानूं नॉर्थ ईस्ट मेरा यहीं पे ही कट कर रहा है, ये 45 डिग्री जो चक्र में इसमें मार्क्ड है, इसके अकॉर्डिंग ये सारे देवता आप खुद देखिए किस हिसाब से डिवाइड हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में यहां इस तरीके से भी मान लो, इस तरीके से भी मान लो, तो इन्होंने किस हिसाब से डिवाइड कर दिया। ये नॉर्थ ईस्ट मेरा कुछ कुछ ऐसा बन गया। इस तरीके का बन गया। अब आप खुद सोचो, जो ग्रंथों में दिया है वो इस टाइप का ग्रिड जो बनाया है उन्होंने, और ब्रह्म स्थान की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बिगाड़ा तो बेचारा ब्रह्म स्थान के साथ हुआ है, ये तो पूरा गोल कर दिया। और इसी महानुभाव ने, जिसने चक्र का इजाद किया, उसने कहा ब्रह्म स्थान होता ही नहीं घर में, जो पुराने इतने बड़े बड़े किले बने हुए हैं जिनमें चारों तरफ बिल्डिंग बन रही है और बीच में खाली छोड़ रखा है, पूरा इस तरीके से कोर्टयार्ड खाली है, और आज भी वो बिल्डिंगें एज इट इज खड़ी हैं। ये भाई साहब कहते हैं कि कुछ होता ही नहीं है ब्रह्म स्थान, इन्हीं की वीडियो में है जिसने चक्र का इजाद किया है। तो आप खुद देखिए कितनी बुरी तरीके से देवताओं, फिर ये बात करते हैं 45 एनर्जी फील्ड्स, 45 देवता का अलग कोर्स बना दिया इन लोगों ने इसको बर्बाद करके। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं, आप खुद देखिए कहां मेरी ये मेरा जो नॉर्थ ईस्ट अच्छा वाला मेरे प्लॉट में आना था वो यहां आ गया इस तरीके से। सेंटर अगर मान लीजिए मैं ये नक्शे इसको छोटा करता हूं, ड्राइंग को चक्रा के हिसाब से भी बना लूं मैं, तो भी मेरा ये 45 डिग्री पे तो कट कर रहा है, बट मेरे देवता उस ऐसे पिज्जा के स्लाइस के शेप के हो गए, एक साइड से बेचारा शेरमुख हो गया, एक साइड से बेचारा गौमुख हो गया। क्या ये देवता इस तरीके का नजर आ रहा है आपको, जो एनर्जी फील्ड ग्रंथों में दी है कि इस तरीके से डिवीजन करना है, इस तरीके से वास्तु का पद विन्यास करना है, क्या इस तरीके से निकल रहा है? क्या ये चक्रा का इस्तेमाल करके ये जो इन्होंने अलग अलग देवता, ये देवता बेचारा इसको तो ऐसा बना दिया इन्होंने, बल्लाट तो बेचारा ऐसे फंस के रह गया, इतना लंबा हो गया वो बेचारा। तो दोस्तों ऐसे
धोखेबाज चीजों से बचे। अब हम बात करते रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर में भी अगर मैं इसको करूं इम्प्लीमेंट, तो पहले तो इम्प्लीमेंट करना ही मुश्किल है रेक्टेंगुलर में, तो और ज्यादा इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि ये है ही नहीं चीज काम करने वाली। अब आप खुद देखिए रेक्टेंगुलर में ये इसी तरीके से अप्लाई करते हैं, इसको बड़ा करके कर लेते हैं तो वो रेक्टेंगुलर पूरा अंदर अंदर ऐसे आ जाता है, बट उसके बाद भी इनका 45 डिग्री नॉर्थ, अगर मैं 0 डिग्री यहां, यहां 45 डिग्री इनका यहां पे कहीं पे कट कर जाता है। मतलब इनके हिसाब से जो ये वाला देवता है, जो पद विन्यास के अकॉर्डिंग यानी कि देवता नंबर 1 जो है वो यहां आ गया, ये इनका 1 है। आप खुद सोचिए, फिर ये बात करते हैं एनर्जी फील्ड्स की, फिर ये बात करते हैं देवताओं की, कि जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमारा देवता आना चाहिए उसकी एनर्जी फील्ड को ये 45 डिग्री पे काट रहे हैं। 45 डिग्री तो यहां कट गया, तो यहां ये वाला देवता क्या उठ के यहां आ जाएगा? ऐसा होता है कभी? आपने देखा किसी वास्तु शास्त्र में इस तरीके की हरकतें होती हुई? दोस्तों अभी इस पे बहुत सारी रिसर्च मैंने करी है, मेरी कम से कम 10 वीडियोस और आ रही है, और एक से बढ़कर एक इनकी पोल में खोलने वाला हूं। आप देखिएगा, मैं आगे आगे और दिखाऊंगा आपको। फिर ये बात करते हैं कि टिल्टेड में कैसे दिशाएं सिंपल है जैसे स्ट्रेट में दिशाएं निकल रही हैं, सेम यही मेथड, इसको भूल जाओ कि ये कोई चीज है, आपकी दिशाएं बड़े आराम से निकल जाएंगी इसमें। तो आगे से दोस्तों ध्यान रखें इस बात का कि अगर आपके घर में भी कोई इस तरीके का फ्रॉड लेके आ रहा है, अभी तो इन्होंने स्टड्स और पता नहीं क्या क्या रेमेडीज बनाई हैं, और रेमेडीज पे भी मेरी ये 2 वीडियोस आ रही हैं इनकी, तो देखते रहिएगा इस सीरीज को दोस्तों, ताकि आपको भी ऐसे धोखेबाजों के चक्कर में ना फंसे आप लोग। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।